अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो कैसी गुजर रही है जी आपकी ईद? हमने ईद को किस तरह सेलिब्रेट किया? ईद वाले दिन क्या कुछ किया? ईद का फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों ही इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, बस ये था कि ईद वाले दिन मौसम गर्म हो गया था, तो थोड़ा सा टेंशन भी हो रही थी कि हमने जो प्लान किया हुआ था ना बाहर जाने का, तो सोचा गर्मी होगी तो कैसा होगा। सुबह में काफी गर्मी थी लेकिन बाद में मौसम अच्छा हो गया था। और यहाँ पर फिर मैंने अपने शहजादों को लगा के दिया हुआ था ईद वाला सॉन्ग। इनको मैं बता रही थी कि आज ईद है, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। बस उनको यही था कि आज वीकेंड है और हम रेडी होके बाहर जा रहे हैं। बच्चे जी बैठकर टीवी देख रहे थे और मैं घर पे बात कर रही थी अम्मी को और अपने बहन भाइयों को ईद मुबारक बोला। और उसके बाद जी फिर मुझे यहाँ पर मिल गई थी ईदी और मैं तो हो गई थी बहुत ज्यादा खुश। अच्छा, ईदी मिलने की खुशी सिर्फ बचपन में नहीं होती है, अभी भी ईदी मिले तो बहुत खुशी होती है। और जब हस्बैंड से ईदी मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैं बना रही थी फ्रूट सैलेड। अच्छा, इसके अंदर वेजिटेबल्स भी जाती हैं, फ्रूट्स भी जाते हैं, इसके अंदर मैक्रोनी भी जाती है और ये बहुत ही मज़े का सैलेड बनता है, हेल्दी भी होता है। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून योगर्ट लिया था, 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ली है और 1 स्पून इसके अंदर कंडेंस मिल्क का डाला है। अच्छा, कंडेंस मिल्क ना हो तो आप शुगर भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा, थोड़ा सा सोल्ट जाएगा और अच्छे से जी क्रीम को आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर जी मैंने बॉयल मटर लिए थे, उसके अंदर थोड़े से क्रेप्स कट कर लिए थे और उसके अंदर मैंने फिर बॉयल किए हुए चने, बॉयल किए हुए आलू, साथ में एक एप्पल कट कर लिया था और इसके अंदर मैंने डाल दिया है स्वीट कॉर्न, ये भी बॉयल किए हुए हैं। और साथ ही इसमें जाएगा फ्रूट कॉकटेल और जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है आप वही इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दी है मैकरोनी और ये बहुत ही मज़े का सैलेड बनता है। अच्छा, बच्चों का भी फेवरेट होता है, बड़ों का भी फेवरेट होता है, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट होता है, तो मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। जब भी बच्चों की बर्थडे वगैरह हो या कोई भी घर में छोटी मोटी सी दावत हो ना, तो नंबर 1 पर मेरी ये वाली फेवरेट डिश होती है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था और अभी मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। आप चाहें तो इसको एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल खराब नहीं होता। यहाँ पर जी मैंने सालन भी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अच्छा, मैंने बनाया था चिकन व्हाइट कोरमा और साथ में मटन कोरमा बनाया था। अच्छा, ये मैंने रात को ही बना लिया था, बस अभी मैंने इसको गर्म किया था। और इसके ऊपर जी मैंने हरी मिर्च डाल दी है कट करके, हरा धनिया डाल दिया है, साथ में चावल भी मैंने कल ही बनाए थे, चना पुलाव बनाया था, ये भी बहुत मजे का बना था। और चना पुलाव भी मैंने गर्म कर लिया था लेकिन अभी मैंने इसको निकाला नहीं था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे, कहते हैं कि बहुत तेज भूख लग रही है और बस जल्दी से खाना लगा दो, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने कहा चले मैं यहाँ पर चीजें रेडी कर रही हूँ और आप लोग जो है ना टेबल लगाएं, क्योंकि हमारे मेहमान भी आ चुके थे, बच्चों का भी टाइम हो गया था लंच का। तो बस जी जल्दी से हमने टेबल लगाई और मजे का जो है ना सब कुछ बना था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट सैलेड तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है, साथ में सेवइयां थी, चिकन व्हाइट कोरमा था, मटन कोरमा था, साथ में चना पुलाव था और साथ में हरीसा था, हरीसा भी बहुत ही मजे का बना हुआ था। और यहाँ पर जी सारे जो बर्तन थे ना वो फिर भाभी ने वॉश कर दिए थे, मैंने उनको बहुत मना किया लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं वॉश कर देती हूँ, फिर तो माँ होगी बाहर से थकी हुई तो लेट हो जाएगा। खैर जी थैंक यू, भाभी ने बर्तन वॉश कर दिए थे। उसके बाद जी बच्चों को पानी वगैरह पिलाया और फिर मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर शाहजहान लेके आया था दोनों आपियों के लिए, जो आपियाँ हैं ना मतलब ये दोनों शाहजहान और शहान से बड़ी हैं, तो उनके लिए शाहजहान लेके आया था सरप्राइज। अच्छा, दोनों आपियों के लिए डॉल लेके आया था और ये इतने इतने दिन से कह रहा कि मम्मा आप ही से मिलना है, आप ही को सरप्राइज देना है। तो फिर इनके पापा और ये लोग चले गए थे आप ही के लिए सरप्राइज लेने और शाहजहान ने पसंद की थी दोनों आपियों के लिए डॉल। और माशाल्लाह जी दोनों आपियों ने बहुत प्यारे ड्रेस पहने हुए थे और बहुत प्यारी मेहंदी भी लगाई हुई थी और अल्लाह पाक इसी तरह इनके नसीब भी बहुत अच्छे करे, आमीन। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जल्दी जल्दी से बस मैं रेडी हो रही थी और यहाँ पर मैंने फिर अपनी अम्मी का फेवरेट ड्रेस पहना था, क्योंकि मैंने कहा अम्मी ने भेजा है इतने प्यार से, मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ईद पर पहन लेती हूँ, फिर तो पहनना ही नहीं होगा। और जब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया पहनकर तो उनको भी काफी अच्छा लग रहा था। इसकी जो कढ़ाई थी, जो इसका कलर था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, गोल्डन, और इसके अंदर जो कढ़ाई थी ना वो ग्रीन और रेड कलर की थी, लेकिन बहुत प्यारा ड्रेस था। अच्छा, ये जो इस तरह की कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं मुझसे नहीं पहने जाते हैं, जब मैं पहन भी लूँ ना फिर मुझे एलर्जी हो जाती है। अभी तो बहुत टाइम हो गया था, मुझे याद ही नहीं था, मैंने ड्रेस पहन लिया। और यहाँ पर जब बैंगल्स पहनने की बारी आई ना, तो मेरे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी डाल दी कि बस जल्दी से चलो लेट हो रहा है। और बस ये मैंने
फिर चूड़ियाँ अपने बैग में ही रख ली थी। मैंने कहा कार में बैठ के ना फिर आराम से पहन लूंगी। और ये थी जी मेरी ईद की कुछ इस तरह की लुक ड्रेस, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लग रहा था। और सैंडल जी मैंने अपने हस्बैंड की पसंद की पहनी थी, जो उन्होंने मुझे लेके दी थी ना, तो मैंने वही पहनी थी इसके साथ। और उसके बाद जो फिर हम निकल पड़े थे बाहर घूमने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम आज जा रहे थे डैम पर, और कौन से डैम जा रहे थे मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं लिख दूंगी बीच में इसका नाम। अच्छा, बहुत ही प्यारी जगह थी, इतना ज़्यादा रश था यहाँ पर, यकीन माने आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। कि मैंने ये सोचा था शायद हम ईद के अलावा किसी और दिन का प्लान रखते तो बेहतर था, क्योंकि ईद पर काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा रश था, मौसम भी अच्छा था और ईद भी थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पठान थे, काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी यहाँ पर, सभी ने बारबेक्यू लगाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा रश था। मतलब हम इतना घूमने फिरने जाते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर देखा कि इतना ज़्यादा रश था कि हमें पार्किंग ही नहीं मिली। फिर जी मेरे हस्बैंड और हम बच्चे सब ऊपर चले गए थे घूमने के लिए, डैम देखने के लिए। और जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे ना, उन्होंने बोला कि आप लोग जाएं घूमने फिरने, हम लोग इतना दूर से आए हैं, तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ, अगर पार्किंग मिल गई तो मैं आ जाऊँगा। अच्छा, हम यहाँ पर आ गए थे, हमने काफ़ी देर यहाँ पर रुके, घूमा फिरा, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन पार्किंग हमें नहीं मिली थी, फिर हम जल्दी चले गए थे यहाँ पर जी। आगे उन्होंने सीढ़ियाँ भी बनाई थी, लोग यहाँ पर पहाड़ के ऊपर तक चढ़ के गए हुए थे, हमें तो देख कर हैरत हो रही थी, हम तो यहीं तक ऊपर चढ़ के आए थे, बहुत थक गए थे। मौसम बहुत अच्छा था, डैम का व्यू बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा ये डैम था। अच्छा, रश बहुत ज्यादा था इसलिए इतना मजा नहीं आया, क्योंकि पार्किंग ही हमें नहीं मिली थी। उसके बाद जी फिर हम घर पहुंच गए थे, और अभी मैं उतार रही थी अपनी बैंगल्स और साथ में वीडियो भी बना ली, क्योंकि इतनी अच्छी लग रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था उतारने का, लेकिन मैंने कहा अभी सोना भी है तो फिर मैंने उतार दी। और शहजादा मेरा यहाँ पर ब्रश कर रहा था, अभी दोनों को ब्रश करवाऊंगी, उसके बाद इनको भी चेंज करवाऊंगी, और फिर जो है ना ये लोग भी सोएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये लोग थक गए थे और बस ब्रश किया और उसके बाद सो गए थे। इसी तरह से जी हमारी ईद गुजरी थी, और अभी था फिर नेक्स्ट डे ईद का, और यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ निकाली हुई थी और अपने हस्बैंड को दिखा रही थी। मैंने कहा कौन सी चूड़ियाँ पहनूं, क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड का फेवरेट ड्रेस पहन रही थी, तो उनसे चूड़ियों का भी कलर पूछ रही थी। उनको ये तीनों ही पसंद आई, तो उन्होंने कहा तीनों को मिक्स करके पहन लो, और बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। और ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरी हस्बैंड की पसंद का था, और इसके साथ भी मैंने सैंडल अपने हस्बैंड की पसंद की पहनी, साथ में चूड़ियाँ भी उनकी पसंद की पहनी, और मैं रेडी हो चुकी थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा था। अच्छा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं पहनने के बाद अच्छे लगते हैं, ये भी पहनने के बाद कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। और बस ये अभी हम निकल रहे थे, क्योंकि अभी भी टाइम था 5 बजे का, क्योंकि कल की जो थकन है हमारी उतरी ही नहीं थी, तो आज हमने नींद पूरी की और उसके बाद फिर शाम के टाइम भी बाहर निकले थे। यहाँ पर मेरे शहजादे भी रेडी हो गए थे, और आज इन्होंने पहना था जी ये वाला ड्रेस, और बस हम निकल पड़े जी। आज हम जा रहे हैं शारजा बर्ट मार्केट, आज हम जा रहे हैं बच्चों का ईद का गिफ्ट लेने। ईद पर इनको कोई गिफ्ट नहीं मिला, क्योंकि ईद पर इनको स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला था। आज ही हम लेने आए थे मिठू, क्योंकि मिठू मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, और मेरे बच्चे भी हर वक्त कोको कोको करते रहते हैं, मिठू मिठू करते रहते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, कुछ दिन पहले हम चूज़े लेके आए थे, वो तो हमारे मर गए थे, और फिर हमने डिसाइड किया था कि मार्च अप्रैल में मिठू का बच्चा लेके आएंगे, उसको हम पालेंगे। तो बस फिर हम यहाँ पर पहुँच चुके थे मिठू लेने, और यहाँ पर मेरे शहजादे देख कर ना मिट्टू को बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और यहाँ पर जी हमने एक दो शॉप पर विजिट किया, और यहाँ पर हमें बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा मिट्टू पसंद आ गया था, और बहुत नोटी और एक्टिव था ये मिट्टू। और बस जी थोड़ी सी इसके साथ मस्तियां वगैरह की, और उसके बाद जी डिसाइड किया कि कौन सा लेना है, और फिर यहाँ पर जी फाइनल हो चुका था कि हम ये वाला क्यूट सा मिट्टू लेंगे। और यकीन माने ना, बच्चों की तरह इसके ऊपर प्यार आ रहा था, बहुत ही क्यूट था। और यहाँ पर थे जी फिर क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से रैबिट, कुछ तो रेस्ट कर रहे थे और कुछ यहाँ पर मस्तियां कर रहे थे, और एक जी यहाँ पर बैठकर पानी पी रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। और यहाँ पर जी हमारे मिट्टू का बॉक्स भी रेडी हो चुका था, और उनको भाई दे रहे थे सीरीलैक, और हमें बता भी रहे थे कि किस तरह आपने इसको सीरीलैक देना है और कितने टाइम के बाद देना है, तो सब कुछ हमें समझा रहे थे। और ये था जी इसका सीरीलैक, जो कि हमने अभी बाहर से जाके लेना था, और खाना अभी उन्होंने दे दिया था ताकि हमें घर आने में टाइम लगेगा तो इसको भूख ना लगे। और बस जी मिट्टू हमारा यहाँ पर चू चू चाचा कर रहा था, और हम बहुत ज्यादा खुश थे कि फाइनली आज हमने मिट्टू ले लिया। और दो के साथ साथ एक और नन्ना मुन्ना तीसरा मेहमान भी हमारे घर अब आ जाएगा। और यहाँ पर फिर हम उसका देख रहे थे जी पिंजरा, और दो हमें ये बड़े वाले पिंजरे पसंद आए थे। और फिर जब हमने भाई से बात की, तो उन्होंने कहा कि भी आपका मिठू छोटा है, अभी इसको पिंजरे की जरूरत नहीं है, अभी इसके लिए आपको व्हाइट ग्लास बॉक्स लेना पड़ेगा। और फिर जी हमने ग्लास बॉक्स लिया, और उसके अंदर जो है ना इसको रखा, और फिर जी हमने इसका सीरीलैक भी लिया, और फिर हम जा रहे थे अभी घर। और शाजे ने यहाँ पर मिठू को पकड़ा हुआ था, बहुत ही ज्यादा खुश था, हाथ भी नहीं लगाने
दे रहा था, तो मैं इसको कह रही थी कि इसको आराम से रखो क्योंकि वो अभी सो रहा था कि डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ पर जी मेरे छोटे ने मिठू का खाना पकड़ा हुआ था, दोनों ने एक एक चीज़ पकड़ी हुई थी और हाथ किसी को भी नहीं लगाने दे रहे थे। ये कह रहा था कि ये मेरा मिठू का खाना है और बड़ा कह रहा था कि मेरा मिठू है। और खाना फिर हमने घर आके खाया था क्योंकि खाना मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था रेस्टोरेंट पर, और घर आते हुए ना हम ले आए थे कि घर जाके खाएंगे क्योंकि बाहर जाना बच्चे फिर बहुत तंग करते हैं रेस्टोरेंट पर जाके, क्योंकि हमने मिठू भी लिया हुआ था तो इसकी वजह से फिर हम खाना घर पर ही लेकर आ गए थे। और यहाँ पर शाहजन भी आ गया था क्योंकि आज शाहजन की फेवरेट फिश मंगवाई थी और ये मेरे दोनों शहजादों की फेवरेट फिश है। दोनों यहाँ पर आ गए थे कि मम्मा खाना दे दे, क्योंकि इन दोनों को बहुत ही तेज वाली भूख लग रही थी। और बस जी बच्चों को खाना दे दिया था मैंने और यहाँ पर अपने लिए भी निकाल ली थी। अच्छा इनके नान बहुत ही मजे के होते हैं, ये वाला जो नान खाती हूँ ना तो मुझे फिर पाकिस्तान की याद आती है। और बस यहाँ पर मैंने अपने लिए भी खाना निकाल लिया था, लेकिन जो घर की हालत है ना वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई थी क्योंकि जब हम उठे थे तो लेट हो रहा था, बस हम जल्दी से रेडी होके ना निकल गए थे बाहर। और अभी जब घर आया तो सारी चीज़ें मैं साथ साथ समेट रही थी क्योंकि बड़ा जो है ना यहाँ पर कह रहा था कि मैंने अकेले अपनी फिश खानी है, फिर छोटे को मैंने अपने वाले दे दी थी कि चलें ये लोग खाना खाएं और मैं जल्दी से चेंज भी कर लूँ और कुछ जो है ना चीज़ें भी समेट लूँ, थोड़ी घर की भी हालत बैठने वाली हो जाए। और बस ये बच्चे यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे और उसके बाद फिर मैं चेंज वगैरह करके आ गई थी। और यहाँ पर मिट्टू भी हमारा बैठ के जो है ना नीनू कर रहा था और मिट्टू का भी यहाँ पर खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलें अभी मिट्टू को खाना खिलाती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर थोड़ा सा बच्चे इसके साथ खेल लेंगे और फिर जो है ना इनको मैं ले जाऊंगी सुलाने के लिए। और यहाँ पर दोनों भाई जो है ना कुशन पकड़ के बैठे थे कि हमारी गोदी में बिठाए हमारी गोदी में बिठाए। अभी ये नेक्स्ट डे था और यहाँ पर फिर मिट्टू को सुबह में खाना खिलाया और यहाँ पर बच्चे जो है ना मिट्टू के साथ बैठ के खेल रहे थे। और आज तो मिट्टू बहुत एक्टिव हो गया था और बहुत ही नोटी हो रहा था, पूरे घर में भाग रहा था और बच्चे इतने ज्यादा खुश थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब भी मैं इसके साथ खेलने के लिए बैठती हूँ ना तो आधा घंटा तो इस इतना चुटकियों में गुजर जाता है और दिल करता है कि बस इसके साथ खेलते रहें, इतना क्यूट सा और प्यारा सा ये हमारा मिट्टू है। बच्चों को मैंने वाटरमेलन कट करके दे दिया था कि आप लोग वाटरमेलन खा लो और ये लोग इतना खेल में मस्त थे कि खाने की तरफ आ ही नहीं रहे थे। और बस ये है मेरी आज की वीडियो, होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। नीचे भाग जाता है शाहजीन को, आशान है मिट्टू को। ना ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, खेलने आए।